फॉलो योर पैशन। हेलो गाइस, दिस इज दीपक मोरे, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ काम पे, लेकिन आज मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं है, आज उस लड़की के लिए स्पेशल है। शर्माओ यो क्या? तो वो मैं काम खत्म करने के बाद बताऊंगा क्या सीन है। तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, कि अभी चलूं? हाँ, तो मैं पहले काम निपटा देता हूँ, क्योंकि चलो ठीक है, बताता हूँ बाद में। 3 hours later मैं काम पे से आ गया। ये अरे आज तू सीख कलाकारी अभी से मत दिखाओ अपनी। मेरा वो पहले से मैं वही करती हूँ। जल्दी चलो जल्दी, मैं काम भी करके आ गया, अभी तक रेडी नहीं हूँ। बोला है क्या बोला? जॉइनिंग आज से नहीं रहेगा, तो अगले साल से रहेगा। मतलब आज मैं जाऊंगी, फिर वो सब बताएगी क्या तुम्हारी बेटी कुछ नया करने जा रही है, कुछ बोलना चाहोगे उसके लिए? अरे हम काम करते करते थक गए। नहीं थकने का बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बेटी कुछ नया करने जा रही है। अब बेटी जा रही है तो मेरे को बहू एक ला के दे दो संभालने के लिए, बेटी को भगा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो सब इग्नोर कीजिए आप लोग। आप फूल जाए, ठीक है। बेसिकली ये आज जा रही है ब्यूटी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। सो पहले अपना सब कलाकारी दिखा रही है, क्योंकि वहाँ पे लोग उन लोग कंसेशन देने वाले हैं नहीं। कुछ जल्दी चल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो पहला ना इसको फोटो नहीं है इसके पास, तो पहला फोटो से फोटो बनवाने जा रहे हैं करिश्ता। हाँ नहीं, तो आर यू एक्साइटेड? बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, मेरा एम बुला रहा है। सो 6 साल से सो रही थी। हाँ ठीक है ना, पैसे कमाए मैंने। चलो ठीक है, इनके मजे हैं, हम लोग काम करें, इसको पढ़ा लिखा देंगे, कुछ तो होए जिंदगी में, कुछ तो करे। बचपन में माँ बाप ने पढ़ाया, थोड़ो पढ़ाओ। भैया ट्रीट दे रही है, एडमिशन का पैसा तो हमने दिया, लेकिन ट्रीट का पैसा दे रही है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने 20,000 दिए, मैं 200 दे रही हूँ। कोई नहीं, वो भी उसका भी भरने का है। ठीक है ठीक है, तो अभी पहले ये खाते पार्टी ले लेते, पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से। IAS वाइज बोलो, IAS तो नहीं बन रहे आप? IAS थोड़ी बन रहा, मेरे को प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनना है। एडमिशन वगैरह सब बढ़िया से हो गया, मतलब बहुत दिन से करना था, शुरुआत से करना था कॉलेज छोड़ने के बाद, बट शी वॉज नॉट क्लियर, तो मतलब नहीं किया। तो अभी जॉब भी छोड़ा हुआ है, और अभी तो वही था कि मतलब जॉब ही कंटिन्यू करना है या कुछ अपना है। तो मेरा शुरुआत से यही है कि आप पैशन फॉलो करें अपना, तो उसका उसमें इंटरेस्ट है। पैशन का कैसे होता है ना, मतलब जो व्हाट यू वांट टू डू, अगर जॉब में भी इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर कैसे कोई कोई लोग को जॉब पसंद नहीं होते, बट पैसे के लिए करना पड़ता है वो 8 घंटे बाद, मतलब उनका वही है कि जाना है आना है बस वैसा। बट अगर आप अपना पैशन फॉलो करें, पैशन के लिए कुछ करें, तो उसके लिए आप 24/7 सोचते रहते क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके लिए वो प्रोसेस ऐसा हो जाता है। तो अभी उनका इंटरेस्ट है, उन्होंने हम लोगों ने कुछ बोला नहीं, फोर्स नहीं किया है, कुछ नहीं है, उनको सामने से इंटरेस्ट था, तो उनको उन्होंने बोला, तो हमने बोला ठीक है भाई, वी कैन अफोर्ड इट एंड वी कैन मैनेज इट, मतलब उसके जॉब के बिना भी वी कैन मैनेज। तो हम लोग बोले ठीक है, तू यही कर, अभी वो 6 महीने का कोर्स है, दैट शी विल डू। फॉलो योर पैशन, चाहे आप जॉब के साथ करें, चाहे आप जॉब छोड़ के करें, बट फॉलो योर पैशन। और बस यही है, पैसा इज इम्पॉर्टेंट आई नो, बट पैशन भी इम्पॉर्टेंट है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, पैसे से तो आप फैमिली सेटिस्फैक्शन और सब सेटिस्फैक्शन है, बट सेल्फ सेटिस्फैक्शन, चाहे कितना भी पैसा हो जाए, अगर सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर फायदा क्या है पैसे का? तो वही है, स्टार्ट करेंगे, उनका बैचेस चालू होगा, तो ठीक है देखते हैं कहाँ तक जाती है सफर कहाँ तक जाता है। तो बस यही है, ज्ञान तो बहुत ज़्यादा फैलता हूँ, मेरा खुद का कुछ हो नहीं रहा, तो कोई बात नहीं है। तो क्या हो गया, आराम कर रही हो क्या ज्वाइन होने से पहले? और मैं आया और कपड़ा नहीं गया, तब से खाली काम, जिसका आराम है। चलो ठीक है, ये भी कर देंगे काम। माता श्री बोलो भैया, क्या बोल रहा है? अरे रखा ठीक है, टमाटो वमाटो काट के रखो, लाओ क्या देने जाने का है? गाँव से आने के बाद तो ये बवाल रहता है, ये चीज लेके जाओ दूसरे को देके आओ। आई एम गोइंग, दयान भैया तो हर काम का यान, तो इसको नहीं करके दी टमाटर और प्याज काट के, और ये बनाओ, ये निमोनिया क्या? अरे तेरा एडमिशन करा है, चल आलू टमाटर प्याज काट के दे, टमाटर प्याज काट के दो। क्यों क्या क्यों, वो मम्मी भूजी है इसके लिए, तो फाइनली ऐसे ही खाना पड़ रहा है।
दिवाली में ये सब सामान हम लोग गांव से आए तब से ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये सारे कपड़े निकाल के पड़े हुए हैं, कपड़े धो दिए गए हैं बट ऐसे पड़े हुए हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसकी हालत ये करके रखी हुई है। बेड की हालत देखो, मेरे दोनों बैग सब वहीं पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही सब बिखरा है। तो कुछ नहीं है, इस नोट पे इसी ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैं करूँगा। तो इस नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। यहाँ तक ब्लॉग देख लो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तब तक बड़ो इस पर करो, इस पर कल करो, सबके इस पर करने की जरूरत नहीं। माता पिता के साथ हो, छोटो सपोर्ट को छोटो गाइड करो, बहुत सारे पैसे कमाओ और भाई ऐसा मत करके रखा करो वरना माता पिता आपके पिछवाड़ा कर देंगे। तो कोई नहीं, मिलते हैं ऐसा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस बू।